यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल, यदि तू लौटाना चाहती है तो मेरे पास लौटा, और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और इस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यो कहा कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहूदा में यह प्रचार करो और यरूशलेम नगर में यह सुनाओ, देश भर में नरसिंगा फूको और गला खोलकर यह ललकारो कि आओ हम इकट्ठे हो और गढ़वाले नगरों में जाए। तुम सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता हूँ। सिंह अपनी झाड़ी से निकल अर्थात जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करने आ रहा है, वह तो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहे। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप हम पर से टल नहीं गया। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा काप उठेगा और याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को छेदने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा कि जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लहू बह रहा है, वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना वा फरछाना हो, परंतु ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु मेरे निमित्त बहेगी। अब मैं उनको दंड मिलने की आज्ञा दूंगा, देखो वह बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय कि हम नाश हुए। हे यरूशलेम, अपना मन बुराई से धो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम व्यर्थ कल्पनाएं कब तक करते रहोगे, क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पड़ रहा है और एफ्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। अन्य जातियों में इसकी चर्चा करो, यरूशलेम के विरुद्ध भी इसका समाचार सुनाओ कि पहरुए दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रहने वालों की नाई उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे फिर गई है। यहोवा की यही वाणी है, ये तेरी चाल और कामों का फल है, तेरी यह दुष्टता दुखदायी है, क्योंकि इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता और मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है, नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, अब सारा देश लूट लिया गया है, अचानक मेरे डेरे और एकाएक मेरे तंबू लूट गए हैं, मुझे
और कितने दिन तक उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझको नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना नहीं जानते। मैंने पृथ्वी को देखा कि वह सुनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को कि उसमें ज्योति नहीं रही। मैंने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रही है, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही है। फिर मैं क्या देखता हूं कि कोई मनुष्य नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर मैं क्या देखता हूं कि उपजाऊ देश जंगल और यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडहर हो गए हैं, क्योंकि यहोवा ने बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना है और कहा भी है, और इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं, वे पहाड़ियों में घुस जाते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु तू व्यर्थ ही अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं और वे तेरे प्राणों के खोजी हैं। क्योंकि मैंने जच्चा का सा शब्द पहलौठा जन्माती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है। वह हाफती और हाथ फैलाए हुए यो कहती है कि हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूं।